हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है कि नया से ब्रेव में नया से क्रिएटिविटी नया से आइडिया के साथ और नया एक प्रोजेक्ट के साथ मैं आ चुका हूं। मैं सिपु आप सभी का स्वागत करता हूं यूट्यूब चैनल का सिपु क्रेशन में। जैसे कि हर बात तरह की नया इंटरेस्टिंग वीडियो आप सभी के पास ही लेके आता रहता हूँ, तो आज एक इंटरेस्टिंग वीडियो आप सभी के पास लेके आ चुका हूँ। तो जैसे कि आप सभी ने ट्रायल किए होंगे कि बैटरी से बैटरी को सीरीज में कनेक्शन करके देखे होंगे, उसके बाद उसको पैरेलल भी कनेक्शन करके देखे होंगे, उसके बाद आपने ट्रांसफार्मर को भी आपने कभी कभार सीरीज में कनेक्शन करके देखे होंगे या तो फिर पैरेलल में कनेक्शन करके देखे होंगे। तो आप कभी अपने एडाप्टर को भी कभी कभार अपने वोल्टेज को इंक्रीज करने के लिए या तो एम्पियर को इंक्रीज करने के लिए उनको भी आपने कभी कभार सीरीज में कनेक्शन करके देखे होंगे और पैरेलल कनेक्शन करके भी देखेंगे। तो आज की इस वाली वीडियो कुछ सबसे अलग होने वाले हैं। जी हाँ दोस्तों, सबसे अलग होने वाले हैं। तो हम यहाँ पे टेस्ट करने वाले हैं एक ट्रांसफार्मर को एक डीसी बैटरी के साथ। जी हाँ दोस्तों, एक 12 वोल्ट डीसी बैटरी के साथ एक ट्रांसफार्मर को हम यहाँ पे सीरीज और पैरेलल में कनेक्शन करके देखने वाले हैं कि क्या इसकी वोल्टेज इंक्रीज होती है, क्या इसकी एम्पियर इंक्रीज होती है, क्या कुछ भी नहीं होता है, क्या हमको क्या देखने को मिलता है। तो ये छोटी सी एक्सपेरिमेंट आप सभी के पास ही है, तो वीडियो को लास्ट तक देखते रहिएगा। वीडियो को बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। तो चलिए दोस्तों, फटाफट से इस वाली इंटरेस्टिंग वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, जैसे कि आप सभी ने ट्रायल किए होंगे ट्रांसफार्मर को ट्रांसफार्मर में सीरीज या पैरेलल में, बैटरी को सीरीज या पैरेलल में, तो आज हम यहाँ पे करने वाले हैं एक ट्रांसफार्मर और एक डीसी बैटरी जो कि 12 वोल्ट की है, उसको करने वाले हैं पैरेलल और सीरीज में टेस्ट। और इसको टेस्ट करने से पहले मैं यहाँ पे चेक करके दिखा देता हूँ कि हम यहाँ पे जो चीज़ एक्सपेरिमेंट में लेने वाले वो हमारा सही है या गलत है, उसके साथ ही आपको क्या क्या ज़रूरत पड़ सकती है। तो उसके लिए आपको ज़रूरत पड़ेगी एक 4 डायोड की ज़रूरत पड़ सकती है, एक छोटी सी वायर की जो कि इसको पैरेलल या सीरीज में कनेक्शन करने के लिए, और उसके बाद इसको एम्पियर या वोल्टेज चेक करने के लिए हमारा मल्टीमीटर। तो ये कुछ चीज़ों की ज़रूरत पड़ सकती है। हाँ, इसके अलावा आपका एसी वोल्टेज का जो सॉकेट है उसका भी ज़रूरत पड़ सकती है क्योंकि ट्रांसफार्मर को एसी सप्लाई देने के लिए। तो चलिए दोस्तों, फटाफट से इसको शुरू करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले हम हमारे ट्रांसफार्मर को देने वाले हैं 220 से 230 वोल्ट का सप्लाई देने वाले हैं जो कि इस वाली पावर सप्लाई से आ रही है। और इसको चेक करने के लिए आपको रखना होगा मल्टीमीटर को एसी वोल्ट में, एसी आपको 600 वोल्ट में सेट करना होगा। उसके बाद आपको यहाँ पर चेक करना होगा आपकी पावर से कितना एसी सप्लाई आपको आ रही है। तो यहाँ पे स्विच मैंने ऑन कर दिया हूँ, तो आप यहाँ पे देखिएगा दोस्तों कितना वोल्टेज यहाँ पे शो करेगा। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों 253 वोल्ट यहाँ पे शो कर रहा है। तो यहाँ की हमारा एसी सप्लाई यहाँ पे ओके है। तो उसके अलावा हमको चेक करना होगा इस वाले ट्रांसफार्मर को हम जो ले रहे हैं वो सही है या नहीं है, या हमको कितना वोल्टेज ये आउटपुट दे रहा है। तो इसके लिए मैं इस वाली सॉकेट का जो चार्जिंग वाला जो सॉकेट है उसको मैं यूज करने वाला हूँ जो कि बिना टेप से भी ये हमारा काम कर देगा। तो यहाँ पे मैंने सप्लाई दे दिया हूँ, कनेक्शन कर दिया हूँ इस तरीके का, और ये वाले जो पॉइंट है उसको मैं दे रहा हूँ एसी सप्लाई। तो यहाँ पे एसी सप्लाई हमारा चालू कर दिया हूँ। तो चालू करते ही आपको देखिए यहाँ पे ट्रांसफार्मर चालू हो गया है। और इसमें हम चेक करेंगे सप्लाई वोल्टेज चेक करेंगे क्योंकि इसमें आता है एसी वोल्टेज। तो एसी वोल्टेज के लिए हमको यहाँ पे एसी में सेट करना रहने देना होगा, या तो आप चाहें तो 200 में भी सेट कर सकते हैं। तो इसके लिए हमको यहाँ पे चेक करना होगा एक ब्लैक और एक ग्रीन जो वायर है इसके टर्मिनल में। आप देखिए दोस्तों 14.54 वोल्ट यहाँ पे आउटपुट हो रहा है एक चैनल में क्योंकि ये 12012 का ट्रांसफार्मर है। तो इसी तरह से दूसरा चैनल में हम चेक करेंगे वही ब्लैक कलर का वायर और एक ग्रीन कलर का वायर को चेक करना होगा, उसी में देखिए 14.5 वोल्ट आ रहा है और ये 12012 है। तो इसके मतलब इसमें आउटपुट आपको 24 वोल्ट ऑटोमेटिकली मिल जाएगा एसी सप्लाई। तो आपको क्या करना होगा, इसकी जो 12 है ब्लैक कलर का, दूसरा 12 है जो ब्लैक कलर का, उसको आप चेक करना है। देखिए दोस्तों यहाँ पे 29.43 वोल्ट यहाँ पे आ रहा है, मान के मतलब यहाँ पे डबल सप्लाई हमको आ रहा है। तो इसका मतलब हमको यहाँ पे 12 वोल्ट मिल गया, 28 से 29 वोल्ट हमको मिल गया। अगर आपको इसको और बढ़ाना होगा तो हम इसमें क्या करेंगे, तो इसमें हम चेक करके देखेंगे कि हमारा पास एक डीसी बैटरी है उसमें अगर पैरेलल या सीरीज कनेक्शन करेंगे तो उसका वोल्टेज बढ़ता है या नहीं। तो उसके पहले हम क्या करेंगे, हमारा जो डीसी वोल्टेज है उसको हम चेक करेंगे कि ये हमारा सही है कि नहीं है। तो इसके लिए हमको सेट करना होगा इसको डीसी 20 वोल्ट में, ठीक है, 200 या 20 वोल्ट में आपको सेट करना होगा क्योंकि ये 12 वोल्ट का बैटरी है। तो हम इससे चेक करेंगे प्लस में प्लस माइनस में माइनस। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, तो यहाँ पर मैंने उल्टा लगाया हूँ फिर भी देखते हैं, यहाँ पे आ रहा है -12.70 यानी कि 12 वोल्ट यहाँ पे आउटपुट
हो रहा है, तो हम इसको पैरेलल या सीरीज में कनेक्शन करेंगे। तो इसके लिए आपको डायोड की ज़रूरत पड़ सकती है, क्योंकि आप यहाँ पे कोई अदर डीसी सप्लाई सोर्स यूज नहीं कर रहे हैं, आप एक ट्रांसफार्मर का यूज कर रहे हैं जो आपको आउटपुट ऐसी सप्लाई देता है। तो इसके लिए आपको क्या करना होगा, एक जो चार डायोड तो दिखाया था उसको आप एक ब्रिज रेक्टिफायर बनाना होगा। तो ये ब्रिज रेक्टिफायर बहुत आसान है बनाना, तो चलिए मैं आपको दिखा देता हूँ। तो क्या करना होगा, तो आपको डायोड में तो इस टाइप की ब्लैक एंड सिल्वर पट्टी देखने को मिलेगा, हर डायोड में देखने को मिलेगा। तो आपको क्या करना है, सिल्वर को जोड़ देना है, दूसरे वाले में ब्लैक को जोड़ देना है उसी तरह से जैसा कि मैं अभी जोड़ने वाला हूँ। तो आप देखिए दोस्तों, इसमें भी सिल्वर पट्टी है और इसमें भी सिल्वर पट्टी है, तो इसको क्या करना है, आपस में इस तरह से जोड़ देना है। तो ये आपका डीसी आउटपुट प्लस साइड हो गया। उसी तरह से दूसरा जो दो डायोड बचा उसकी जो ब्लैक पट्टी है उसको आपस में इस तरह से जोड़ देनी है। ये आपकी डीसी 12 वोल्ट नेगेटिव सप्लाई बन गया। उसके बाद जो सिरा आपको बचा उसको आपस में जोड़ देना है, ये आपका एसी सप्लाई इनपुट हो जाएगा, ठीक है, जो कि इसमें ट्रांसफार्मर में लगने वाला है। सिंपल है, बहुत इजी है और फटाक से भी आप बना सकते हैं कोई भी चार डायोड से ब्रिज रेक्टिफायर। तो ये हमारा ब्रिज रेक्टिफायर बन गया। और प्योर डीसी वोल्टेज पाने के लिए आपको यहाँ पे कैपेसिटर लगाना होगा, तो मेरे पास अभी कैपेसिटर नहीं है, तो मैं डायरेक्ट यहाँ पे दो चार डायोड से ही काम चला लूँगा। तो चलो दोस्तों फटाफट से इसको आप कर लेते हैं और इसमें हम बारी बारी करके चेक करेंगे। सबसे पहले तो हम इसमें 12 वोल्ट से चेक करने वाले हैं, ठीक है। तो मैंने जैसे बताया कि इसमें हम कनेक्शन करने वाले हैं एसी सप्लाई ब्रिज रेक्टिफायर में। तो इसकी जो मैंने दिखाया था जो बच गया था वो पॉइंट आपका एसी के लिए हो। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों, सिल्वर है ये आपका प्लस वाला साइड है, ब्लैक ये आपका नेगेटिव वाला साइड है। जो आपका बच गया वो आपका एसी के लिए। तो इसमें एसी के लिए आपको कोई भी प्लस माइनस नहीं है, तो आप जिधर से चाहें डायोड में आपको ये वायर जोड़ के रख देना है। तो ठीक उसकी अपोजिट साइड में ये देखिए, मैं 12 वोल्ट में चेक कर रहा हूँ, तो हमको आउटपुट यहाँ पे मिलेगा प्लस, यहाँ पे मिलेगा माइनस, ठीक है। तो इस तरह से मैं यहाँ पे पावर यहाँ पे दूंगा ट्रांसफार्मर में। चालू किया, मेरा मल्टीमीटर सेट है 20 वोल्ट में और मैं यहाँ पे चेक करूँगा जिस तरह से मैंने बताया था कि ये वाला साइड मेरा प्लस है, ये वाला साइड मेरा माइनस है। तो आप देखिए दोस्तों, 12-13 वोल्ट यहाँ पे 13.38 वोल्ट यहाँ पे आउटपुट हो रहा है प्रॉपर तरीके से, क्योंकि मैं यहाँ पे एक चैनल में चेक किया हूँ। तो उसके अलावा हमको करना क्या है, जो हमने एसी सप्लाई यहाँ पे दिए थे नेगेटिव 12 वोल्ट उसको हमको निकाल देना है। यह एसी वाला जो नेगेटिव साइड है 12 वोल्ट जीरो वाला उसको निकाल देना है, इसके जगह पर हमको लगाना है दूसरा 12 वोल्ट वाला जो सप्लाई है एसी का, उसको यहाँ पे कनेक्शन करना है। देखिए दोस्तों, यहाँ पे 12 जीरो के अलावा मैं 12 लगा दिया हूँ, जीरो को अलग से रख दिया हूँ। मेरा यहाँ पे सप्लाई चालू है और इसमें हम चेक करेंगे मल्टीमीटर से, क्योंकि यहाँ पे डबल हो जाएगा तो ये 20 वोल्ट में ये मल्टीमीटर काम नहीं करेगा। तो इसको मैं सेट कर रहा हूँ 200 वोल्ट में, ठीक है, 200 वोल्ट में सेट किया और इसमें वही तरीके, जिधर से प्लस है प्लस, जिधर से माइनस है माइनस। यहाँ पे देखिए दोस्तों, डबल हो चुका है, 27 वोल्ट के आसपास यहाँ पे 27.1 वोल्ट यहाँ पे आपस आ चुका है। तो ये हो गया इसकी ट्रांसफार्मर की बात। उसके अभी आते हैं, इसको सीरीज में कनेक्शन करने वाले हैं हम बैटरी के साथ, डीसी बैटरी के साथ। तो हम इसमें पावर ऑफ किए, ठीक है, उसके बाद वही सप्लाई रहेगा, वही चेक रहेगा। बाकी हम क्या करेंगे, सबसे पहले इसको करेंगे निकाल देंगे, इसके जगह पर हम लगाएँगे एक 12 वोल्ट वाला, 0-12 वोल्ट का वही वायर यहाँ पे जोड़ दिए। तो इसमें आउटपुट कितना होगा, 12-13 वोल्ट इसमें आउटपुट होगा, जैसे कि मैंने आपको चेक करके दिखाया। उसके जगह पे हम यहाँ पे चेक करने वाले हैं, लगाने वाले हैं एक बैटरी, डीसी बैटरी। यहाँ पे देखिए आपके सामने ट्रांसफार्मर है, डीसी बैटरी है और यहाँ पे मल्टीमीटर है इसकी वोल्टेज चेक करने के लिए, और एक छोटी सी वायर जो कि आपको इसमें पैरेलल या सीरीज कनेक्शन करने के लिए। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे एक पॉइंट में, जैसे सीरीज कनेक्शन करते हैं बैटरी का, एक पॉइंट में इसको, इस वाली वायर को कनेक्शन कर दे रहा हूँ। दूसरी वाली जो उसकी सिरा है वायर का, उसको मैं करूँगा, ये प्लस है तो इसका जो नेगेटिव आउटपुट है वहाँ पे कनेक्शन करना है। आप देखिए दोस्तों, जहाँ का बैटरी का प्लस है सीरीज में, उसका नेगेटिव पे साइड, अल्टरनेट का नेगेटिव पे साइड में ये कनेक्शन होगा। तो ये है इसकी नेगेटिव साइड,
तो इससे हम कनेक्शन करेंगे इसको, तो ये कनेक्शन हो गया। तो हमारे पास क्या बचा, एक प्लस वाला साइड बचा, एक बैटरी का माइनस वाला साइड बचा, यानी कि ये एक सीरीज में कन्वर्ट हो चुका है। तो यहाँ पे आप देख पाएँ दोस्तों, सिंपल सा कनेक्शन है, जो बैटरी का प्लस है उसको मैंने जो आउटपुट का नेगेटिव में लगा दिया हूँ, जो कि ट्रांसफार्मर का नेगेटिव है। और उसके अलावा मेरे को क्या बचा, एक ट्रांसफार्मर का प्लस साइड और एक बैटरी का माइनस साइड। तो इसमें चेक करेंगे कि वोल्टेज कितना हमको मिल रहा है, क्योंकि ऑब्वियसली यहाँ पे 12 वोल्ट मिल रहा है, तो ये सीरीज होने के बाद शायद ही डबल हो सकता है, तो हम ये रिस्क नहीं लेंगे। तो मल्टीमीटर को हम यहाँ पे 200 वोल्ट में सेट रहने देंगे। तो यहाँ पे वो 200 वोल्ट में सेट है, तो हम इसको चेक करेंगे, पावर सप्लाई दिए और इसमें हम चेक करेंगे यहाँ पे प्लस, मल्टीमीटर का प्लस और यहाँ पे माइनस। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे लाइव आपके सामने रिजल्ट है, 12 वोल्ट से कन्वर्ट होकर सीरीज से यहाँ पे 25.192 वोल्ट आ रहा है, यानी कि हमारा ये एक्सपेरिमेंट सक्सेस रहा है, क्योंकि ये सीरीज में काम रियली करता है। तो आपके सामने रिजल्ट है, देखिए दोस्तों यहाँ पे 25 वोल्ट के आसपास यहाँ पे आउटपुट हो रहा है, क्योंकि 12 वोल्ट सीरीज में डबल होकर एक 12 वोल्ट के साथ 24 से 25 वोल्ट यहाँ पे आउटपुट हो रहा है। अगर इसको हम डबल और करना चाहें, बढ़ाना चाहें वोल्टेज, तो इस तरह से किससे करेंगे हम, तो इसके लिए आप देखिए दोस्तों, ध्यान से देखिए, कनेक्शन वही है, सेम है, बस मैं क्या करूँगा, इसकी जो 0.12 का जो सप्लाई है इसको मैं निकाल दे रहा हूँ, इसके जगह पे मैं लगाने वाला हूँ दूसरा 12 वोल्ट का प्लस। मैंने 12 का माइनस निकाल दिया, अब 12 का प्लस लगा रहा हूँ यहाँ पे। अब देखिए दोस्तों, जैसे कि मैंने पहले ट्रिक दिखाया किस तरह से, अभी देखिए दोस्तों यहाँ पे हो गया 24 वोल्ट, यहाँ पे 24 वोल्ट से 28 वोल्ट तक यहाँ पे आ चुका है। अब ये हो बन चुका है एक 12 वोल्ट के साथ सीरीज, तो इसकी आउटपुट कितनी होगी, हमारा मल्टीमीटर वही 200 वोल्ट में सेट है, तो हम यहाँ पे चेक करेंगे कि कितना हो रहा है, क्योंकि हमको जो मिल रहा था 25 वोल्ट, अभी आपको कितना मिलेगा। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे 38.9 वोल्ट, यानी कि 39 के आसपास यहाँ पे वोल्टेज आपका बढ़ चुका है। तो आप चाहें 39 से कोई भी आपका एक प्रोजेक्ट या मोटर, डीसी मोटर रन करवा सकते हैं, लाइव आपके सामने रिजल्ट है। तो देखिए दोस्तों, लाइव आपके पास है कि वोल्टेज हमारा 24 प्लस 12 बढ़ के 38 से 39 वोल्ट आसपास हो चुका है। तो यानी कि ये एक्सपेरिमेंट सक्सेसफुल सच में रहा है, आप चाहे घर पे इसको ट्रायल भी कर सकते हैं। अगर आपके पास ट्रांसफार्मर है और एक बैटरी है, तो आप इसको वोल्टेज को इनक्रीज करवा सकते हैं। तो ये ट्रांसफार्मर और बैटरी का सीरीज वाला कनेक्शन टेस्टिंग सक्सेसफुल रहा है। और दोस्तों, अगर हम यहाँ पे ब्रिज एक्टिफायर को अलग कर देते हैं, इसे निकाल के अगर इस वाली एसी वोल्टेज को डायरेक्ट डीसी वोल्ट में सीरीज के साथ कनेक्शन करते हैं, तो हमको वोल्टेज कितना मिलेगा। तो चलिए दोस्तों, इसको भी टेस्ट कर ही देते हैं। तो मैंने यहाँ पर ब्रिज एक्टिफायर को निकाल दिया हूँ, तो इसकी 12 वोल्ट या 24 वोल्ट आप किसी भी वायर को ले सकते हैं। यहाँ पे मैंने यहाँ पे जो प्लस में जो ये वायर लगाया था, इसको रिवर्स करके नेगेटिव के साथ कनेक्शन कर चुका हूँ। तो हम इसमें चेक करेंगे कि अगर ब्रिज रेक्टिफायर को निकाल देते हैं, तो हमारा मल्टीमीटर में कितना वोल्टेज हमको आउटपुट मिलने वाला है। तो हमारे पास यहाँ पर बच गया है एक 12 प्लस, यहाँ पर बैटरी का 12 प्लस, तो ये प्लस प्लस देखते हैं क्या होता है, चेक करने से क्या हमको रिजल्ट मिलता है। तो यहाँ पे ये डीसी वोल्टेज होगा या एसी वोल्टेज होगा, तो हम सबसे पहले इसको डीसी वोल्ट में मेजरमेंट करेंगे, उसके बाद एसी वोल्टेज में मेजरमेंट करेंगे। तो मैंने यहाँ पे पावर सप्लाई चालू कर दिया हूँ, और इसमें बारी बारी करके जो मल्टीमीटर का पर्व है उसको हम लगा के देखेंगे। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे 12.65 वोल्ट यहाँ पे दिखा रहा है डीसी में, और अगर मैं इसको रिवर्स करूँगा तो हमको कितना वोल्टेज यहाँ पे मिलेगा, तो यहाँ पे वही 12.75 वोल्टेज आपको मिल रहा है डीसी में। हम यहाँ पे मल्टीमीटर को सेट करेंगे एसी 200 वोल्ट में, तो हमको एसी वोल्टेज यहाँ पे कितने मिलने वाला है। तो यहाँ पे मैं रखा हूँ प्लस, यहाँ पे रखा हूँ माइनस। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे 16.78 वोल्ट यहाँ पे मिल रहा है एसी वोल्टेज। अगर मैं इसको चेंज करूँगा तो हमको कितना वोल्टेज यहाँ पे देखने को मिलेगा, तो यहाँ पे चेक करेंगे दोस्तों। देखिए दोस्तों, 44.57 वोल्टेज यहाँ पे मिल रहा है, यानी कि डबल से भी बहुत डबल। यहाँ पे 39 से 40 मिल रहा था, यहाँ पे 44 वोल्ट एसी वोल्टेज हमको यहाँ पे मिल रहा है। उसी जरा अगर मैं आपको डीसी में चेक करके दिखाऊँ,
तो यहाँ पे डीसी में घट के आपको 12 वोल्टेज ही मिलेगा। तो ये कुछ एक्सपेरिमेंट था जो कि आपके सामने, तो आपके सामने ये एक्सपेरिमेंट है, आप देख लीजिए आपको कितना वोल्टेज चाहिए। तो दोस्तों जैसे कि आपने देखा कि एक ट्रांसफार्मर और एक बैटरी को अगर सीरीज में कनेक्शन करते हैं तो हमारा वोल्टेज इंक्रीज होता है, तो इसको हम किसी भी प्रोजेक्ट में लगा सकते हैं। तो इसके नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट प्रोजेक्ट में हम इसी मेथड को यूज करके एक नया सा वीडियो आपके पास लेके आएंगे, जो कि हमारा एक सब्सक्राइबर का कमेंट था कि क्या हम 775 डीसी मोटर को इंक्रीज वोल्टेज में किस तरह से चला सकते हैं। तो इस वाले एक्सपेरिमेंट को उसके साथ ही हम करने वाले हैं, तो आप भी हमारे चैनल में जुड़े रहिए हम नेक्स्ट वीडियो का इसका नेक्स्ट देखने के लिए। तो ये वीडियो आपको कैसे लगा कमेंट जरूर कीजिएगा, वीडियो अगर अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल में नया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन कॉल में सेट जरूर कीजिएगा, इस तरह से कुछ नया नया इंटरेस्टिंग वीडियो आप सभी के पास लेके आने के लिए। तो इस वाली सवाल जो मन में आपके था तो ये क्लियर हो चुका है। अगर आपका वोल्टेज इंक्रीज करने का मन है किसी भी प्रोजेक्ट में, तो आप इस तरह से सीरीज कनेक्शन करके एक ट्रांसफार्मर और एक बैटरी को कनेक्शन करके आपका वोल्टेज को इंक्रीज कर सकते हैं। तो मिलता हूँ दोस्तों कि नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।